स्टूडेंट्स ऑफ 9th स्टैंडर्ड वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर योगा चैप्टर 1। तो 9th स्टैंडर्ड के लिए हम फर्स्ट चैप्टर योगा का स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है योगा। तो योगा क्या होता है, योगा का क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लिए, योगा करने से या योगा जो है वो एक फिटनेस का तौर माना जाता है। अगर बॉडी को आपको फिट रखना है, जैसे कि आजकल कोविड का सेशन चल रहा है, कोविड में क्या होता है, इम्यून सिस्टम आपका बूस्टिंग करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस होते हैं, उन्हीं में से एक फॉर्म आप समझ लीजिए योगा। और योगा जो है, योग शास्त्र जो है वो आज कोई नया नहीं है, बहुत पुरानी प्रथाओं से चलते आ रहा है, लेकिन लोगों ने फॉलोअप नहीं किया था, अब हम उसे फॉलोअप करते हैं, हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है। सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिया हुआ इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है जस्ट एक जान पहचान जैसे हो गई। वी ऑल आर वेरी मच फैमिलियर विद द वर्ड योगा। हम सभी योगा वर्ड से बहुत फैमिलियर है। नाउ डेज दिस वर्ड हैज़ रीच टू ईच एंड एवरी हाउसेज थ्रू मीडिया लाइक न्यूज़ एंड न्यूज़ पेपर्स एंड टेलीविज़न। आजकल हम देख रहे हैं कि ये जो वर्ड है वो मीडिया थ्रू यानी न्यूज़ पेपर या टेलीविज़न के जरिए हर किसी को अब पता चल चुका है। योगा इज़ एन एक्सेलेंट गिफ्ट प्रेजेंटेड बाय द एंशियंट इंडिया। वो योगा एक ऐसा एक्सीलेंट गिफ्ट के तौर पर हमारे लिए आया है प्राचीन भारत से, यानी एंशियंट इंडिया, बहुत पुराने दौर में भारत में ये चीज़ आई थी और फिर उससे पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है। इट इज़ एन एवर न्यू साइंस। अब ऐसा माना जाता है कि ये एक नया विज्ञान के रूप में हमें गिफ्ट है। योगा इज़ मच मोर यूजफुल इन द प्रेजेंट टाइम्स देन इट वॉज इन द एंशियंट टाइम्स। अब देखिए, मैंने पहले ही आपको बताया कि पहले लोग इसके बारे में इतना जानते नहीं थे, ये आया बहुत पहले था, लेकिन जानने लगे हैं लोग आजकल, यानी आज के दौर में हर कोई जानता है योगा क्या है। इट इज़ नॉट दैट योगा इनकरेजेस ओनली इंडिविजुअल डेवलपमेंट, हैंस ड्यू टू इट्स इंपॉर्टेंट यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन UNO हैज डिक्लेयर्ड द 21st June इज एन इंटरनेशनल योगा डे। अब देखिए, इट इज़ नॉट दैट, ये कोई ऐसा गिफ्ट नहीं है जो लोगों को इनकरेज करे यानी उनकी ताकत को बढ़ाए, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ओनली इंडिविजुअल डेवलपमेंट, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ उन्नति हो, प्रगति हो। हैंस ड्यू टू इट्स इम्पोर्टेंस यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, और इसका इम्पोर्टेंस हो रहा है उसी के कारण UNO वालों ने, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने ये डिक्लेयर किया है कि 21st June जो होगा वो इंटरनेशनल योगा डे के नाम पर मनाया जाएगा। There is a description of yoga in many volumes of the oldest ancient literature like Vedas, Upanishads, etc. अब पुराने दौर में यानी कई तरह की व्याख्याओं में या कई तरह के शब्दों में हमें साहित्य में सुनाई दिया है योगा के बारे में, जैसे कि वेद, हमने वेद शास्त्र होते थे, उपनिषद्स होते थे, उसी तरह योग शास्त्र होता था। In fact, we can see 6 दर्शन system of philosophy traditions in the Vedas. अब देखें, इसके अलावा अब बल्कि हम क्या हैं, 6 अलग अलग दर्शन को जानते हैं, जैसे कि 6 अलग अलग दर्शन क्या, सिस्टम्स ऑफ फिलोसफी यानी मानने के तौर तरीके, ट्रेडिशंस इन वेदास वेदों के बारे में ज्ञान, तो उनमें से आ जाता है सख्य, योग, योगा, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। अब ये रहे 6, कौन से, सख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा एंड उत्तर मीमांसा। बाय कंपाइलिंग ऑल दिस एक्सीलेंट एंड नेचुरल थॉट्स, महर्षि पतंजलि हैज़ रिटन अ ग्रेट वॉल्यूम योग सूत्र। अब यही 6 चीज़ों को मिलाकर जो व्याख्या बनी है या डेफिनेशन हम जिसे कहते हैं वो बनाया है, और वो बना है इन्हीं 6 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही महर्षि पतंजलि ने एक ऐसा शब्द या एक ऐसा सूत्र निकाला जिसे कहा गया योग सूत्र। महर्षि पतंजलि वॉज द प्रिंसिपल ऑफ द तक्षशिला यूनिवर्सिटी। अब महर्षि पतंजलि कौन थे, वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर प्रिंसिपल हुआ करते थे। ही वॉज एन एक्सपर्ट ऑल्सो इन ग्रामर एंड आयुर्वेदा ओवर एंड अबव योगा। अब वो ग्रामर में, आयुर्वेदा में बहुत माहिर थे और कई ज़्यादा माहिर थे उसमें योगा में। अ श्लोक हैज़ बीन सेड इन हिज सिंसियर प्रेज। अब एक श्लोक भी उन्होंने उनके सिंसियर प्रेज यानी उनके लिए एक श्लोक बनाया गया है। देखो, योगेन चित्त से उत्पदेन वाचन मलन शरीर च वैधकेन याड पाकुरुत प्रवरण मुनिनान पतंजलि तुमस्तम। अब इसमें इसकी जो मीनिंग है वो देखिए नीचे दिया। दिस वॉल्यूम ऑफ इस सूत्रमाप यानी एफोरसिक ही हैज़ डिस्कवर्ड एट लेंथ द योगा थ्रू क्लियर एंड अनफेलिंग सूत्रस मैगजीन्स एफोरिजम्स इन स्पाइट ऑफ इट्स बींग सो डीप।
अब इसका मतलब ये बताया गया कि इसको करने से सिर्फ लोगों की जो है मेंटालिटी नहीं बल्कि लोगों के सोचने का तरीका लंबा और अनफेलिंग क्लियर हो जाता है। लोग जो भी सोचते हैं उसमें कोई अभी दो राय नहीं होती है, सब कुछ एकदम क्लियरली जाता है। ही हैज़ डिवाइडेड ऑल द 195 एफोरिज्म्स इन फोर चैप्टर्स। अब उन्होंने अपने 195 एफोरिज्म्स जो हैं उसको चार अलग अलग भागों में बांट दिया है। योगा इज़ नॉट ए शास्त्र बट इट इज़ अ साइंस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ बाई नोइंग ट्रूथ ऑफ लाइफ। अब योगा जो है वो कोई शास्त्र नहीं है बल्कि वो एक तरह का विज्ञान है, साइंस है, जो ऐसा साइंस है जिसने हमारी ज़िंदगी की सच्चाई या ज़िंदगी की हकीकत हमें सिखाया है। इन अदर वर्ड्स योगा इज़ ए सिस्टम ऑफ लिविंग लाइफ इन विच देर इज़ नो प्लेस फॉर इंसिस्टेंस इन वंस ओन ओपिनियंस। दूसरे तौर से देखें तो योगा एक ऐसा सिस्टम है लाइफ को जीने का जिसमें कोई दो राय नहीं हो, लोगों की ओपिनियन जिसमें बदले नहीं, हर किसी की अपनी ओपिनियन चलती रहे। योगा इज़ अनफेलिंग मेडिसिन फॉर कम्प्लीट ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। इसके अलावा योगा क्या है, वो एक ऐसी दवा है या एक ऐसा मेडिसिन है जो पूरी दुनिया में बिखर रहा है और वो बिखर रहा है, उसकी वजह से कोई हानि नहीं हो रही है लोगों को, कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हो रहा है, कहीं ना कहीं उनकी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है, यानी उनका शरीर स्वस्थ हो रहा है, देखने लायक बन रहा है। एप्लीकेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ योगा इन द योगा क्लासरूम मेक एनी स्टूडेंट फिजिकली स्ट्रॉन्ग, मेंटली पीसफुल, इंटेलेक्चुअली ब्रिलियंट हार्टेड, हार्टली डिलाइटेड एंड सिंसियर एंड ऑनेस्ट इन हिज डे टू डे लाइफ डीलिंग्स। अब योगा करने से अपन हमेशा ध्यान में रखेंगे कि एप्लीकेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ योगा यानी योगा के बारे में जानना और योगा रोज नियमित करने से शरीर क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग हो रहा है, मेंटली आप दिमागी तौर से शांत रहते हैं, इंटेलेक्चुअली ब्रिलियंट यानी अंदरूनी ताकत आपकी बढ़ती है, आप ब्रिलियंट बन रहे हैं, हार्टली डिलाइटेड एंड सिंसियर आपका जो दिल है वो खुश रहने लगा एंड सिंसियर, और उसके अलावा चंचलता जो है शरीर के दिल की धड़कने जो हैं वो साफ़ और सुंदर हो रही हैं एंड ऑनेस्ट इन डे टू, और सबसे ज़्यादा है कि इंसान ईमानदार बन रहा है अपनी रोजाना की दिनचर्या की जो लाइफ है उसमें। As a result, योगा is such a potential activity so as to bring, जिसका कारण क्या हो रहा है कि as a result, अब result यानी उसका परिणाम ये हो रहा है कि योगा is such a potential activity so as to bring welfare of the society, nation and the entire humanity। अब जिसका परिणाम ये हो रहा है कि योगा से सिर्फ potential यानी शारीरिक ताकत नहीं बढ़ रही है बाकी उसका परिणाम ये हो रहा है कि समाज में, राज्य में, देश में, सबके अंदर इंसानियत जो है वो जागरूक हो रही है, ह्यूमिनिटी इंसान में बढ़ रही है।